लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लगाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और फोर्थ का फर्स्ट पार्ट लगाएंगे। और ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना आपके, ये प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं। पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बच्चों को अगर सबसे ज़्यादा सताते हैं क्वेश्चन तो यही सताते हैं, मतलब वो फोबिया है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट है और समझ में नहीं आ रहा है, उनको सिर्फ डर है। क्योंकि बच्चे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, भाई एक को समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरे को क्यों डरा रहे हैं आप? डरने की ज़रूरत नहीं है, एपीटी अड्डा के साथ बने रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि बाकी के क्वेश्चन के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर इज़हारुद्दीन। देखिए, अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन का लेक्चर नहीं देखा है तो कोई जरूरत नहीं है देखने की। मैं आपको अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस में जो भी आइडेंटिटीज या फॉर्मूला यूज होंगे वो लिखवाता जाऊंगा, आप नोट डाउन करते जाएंगे। अदरवाइज ये फोल्डर आप सर्च कर सकते हैं, इसके अंदर इंट्रोडक्शन का लेक्चर है, वो भी आप देख सकते हैं तो और ज्यादा आसान लगेगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए क्या है, आपको प्रूफ करना है कि cos थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर, 1 माइनस cos थीटा / 1 प्लस cos थीटा। अब ये प्रूफ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है? देखिए, 99% क्वेश्चंस अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ करेंगे तो उसमें एक ही लॉजिक ये है कि आप इनको साइन कॉज में क्या करिए, इन टर्म्स ऑफ साइन कॉज में लिखिए। मतलब जो भी फॉर्मूला इसमें यूज़ हो उनको कोशिश करिए कि साइन और कॉस में चेंज करने की कोशिश करिए। तो 99% क्वेश्चन तो इसी ट्रिक से क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। अदरवाइज डिपेंड करता है कि आपको राइट साइड में क्या लेकर आना है, तो उसमें कोई ज़्यादा इतनी मेजॉरिटी नहीं है क्वेश्चंस की। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके साइन कॉस से ही क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स स्टार्ट। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट से मुझे क्या लाना है, राइट। कभी कभी राइट से भी आप क्या ला सकते हैं, लेफ्ट ला सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि क्वेश्चन किस तरह से दे रखा है। तो देखिए, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है ना। देखिए इसको हम किस तरह से साइन कॉस में चेंज करेंगे, बताइए। कॉसेक थीटा का रिलेशन साइन के साथ होता है, क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉसेक थीटा उसका उल्टा होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉसेक थीटा को मैं साइन का उल्टा लिख सकता हूँ, तो इसको क्या लिखूंगा, 1 अपॉन साइन थीटा, राइट। और कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा होता है, लेकिन मुझे टेन में लिखना ही नहीं है, मुझे किस में लिखना है, साइन और कॉस में लिखना है। तो टेन थीटा साइन कॉस में होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉट थीटा क्या होगा, उसका उल्टा होगा, तो कॉट थीटा साइन कॉस में क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पर आपने ये दो टर्म चेंज किए हैं साइन कॉस में, उसका रीज़न लिख दीजिए, क्या कि कॉसेक थीटा जो होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है, और जो कॉट थीटा होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। ये आप साइड में लिख लीजिए फॉर्मूला। अब इससे आप बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, इसी तरह आप कॉस का उल्टा लिख सकते हैं, तो वो सेक थीटा होता है, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा होता है। इस तरह से आप सारे फॉर्मूले क्या कर सकते हैं, फॉर्मुलाइज कर सकते हैं, है ना। और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेन थीटा क्या होगा, इसका उल्टा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ लिखते जाएंगे आप। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि नीचे नंबर सेम है, साइन थीटा एलसीएम ले लिया, तो ये कितना बचा, 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा तो आ रहा है, लेकिन नीचे साइन थीटा है, इसको किस में चेंज करना है, कॉस में। तो पहले स्क्वायर को थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अलग अलग लिख लीजिए, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब इस ऊपर स्क्वायर नहीं लाना है, तो अपने को क्या करना है, अभी इसको ऐसे ही लिखते रहना है, बाद में देखेंगे इसे हटा दिया जाएगा। अब ये वैल्यू जो साइन में है, इसे मुझे चेंज करना है किसके अंदर, कॉस के अंदर। तो बताइए भाई, एक आइडेंटिटी होती है, कौन सी, कॉ स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस कॉ स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉ स्क्वायर थीटा, राइट। और डॉट 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 करके ब्रैकेट में ये लिख लेना आप, है ना। अब देखो सारे टर्म किस में चेंज हो गए, कॉस में चेंज हो गए, टीणे टीणे टीणे। अब देखिए ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा,
इंटू वन माइनस कॉस थीटा, ये स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर खोलने के बजाय इसको दो टर्म में लिख दिया क्योंकि मुझे वन माइनस कॉस थीटा लाना है, ओपन करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने दो बार लिख लिया इसको। अच्छा, यहाँ पर मैं वन का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं? फिर यहाँ पर एक फार्मूला बन जाएगा, वन का स्क्वायर वन होता है ना, तो ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो किसके बराबर होता है फार्मूला? ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसीलिए तो बच्चों को टफ लगते हैं, देखिए यहाँ आइडेंटिटी लगी, यहाँ पे आइडेंटिटी लगी, यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगी, तो तीन तीन बार आइडेंटिटी लग रही है, तो इसीलिए तो टफ लग रहे हैं। लेकिन कोई नई चीज़ नहीं है, सब हैं पुरानी चीज़ें, ये देखो नाइन्थ क्लास की आइडेंटिटी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी तो वन प्लस कॉस थीटा, ए माइनस बी वन माइनस कॉस थीटा, इससे ये क्या हो गया फैक्टर एक कैंसिल हो गया, क्या बचा? वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा, ये तो बचेगा, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, यही तो बचेगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, तो ये क्या हो गया राइट हैंड साइड। चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।